वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। स्कॉडा ने अपनी प्रीमियम सेडान ऑक्टेविया के स्पोर्ट्स वर्जन ऑक्टेविया आरएस 245 को इंडिया में ऑटो एक्सपो में ही लॉन्च कर दिया था और अब ऑक्टेविया आरएस की 4th जेन की ऑफिशियल डिजाइन पिक्चर्स रिवील हो गई हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 2020 ऑक्टेविया आरएस 245 और नेक्स्ट जेन ऑक्टेविया आरएस पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सबसे पहले करंट जेन ऑक्टेविया आरएस 245 की बात कर लेते हैं। तो ये स्पोर्ट्स सेडान ऑक्टेविया के एल एंड के वेरिएंट पर बेस्ड है जिसमें आपको फुली लोडेड फीचर्स मिलते हैं कंफर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी के। इस अपडेटेड गाड़ी में आपको नए सस्पेंशन सिस्टम, बड़े 18 इंच के अलॉय व्हील्स और एक एक्सटीरियर बॉडी किट जो इसको अग्रेसिव लुकिंग बनाती है देखने को मिलता है। इसके फ्रंट एंड में आपको ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएस, एलईडी टेल लैंप्स रियर एंड में और फ्रंट में फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। स्टील एग्जॉस्ट टिप्स और एक बूट स्पॉइलर भी ऐड किया गया है इसको रियर एंड में। ये नई ऑक्टेविया आरएस पिछली आरएस वर्जन से ज़्यादा स्पोर्टियर ड्राइविंग फील देगी आपको क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस उससे थोड़ी कम है इसकी, जिसकी वजह से आपको ये एक स्पोर्ट्स कार सी फील देगी। इंटीरियर में इसको एल्केंटारा वाली स्पोर्ट्स बकेट सीट्स मिलती हैं फ्रंट में और रियर कैबिन में भी एल्केंटारा वाली सीट्स मिलती हैं। इसके इंटीरियर भी ऑल ब्लैक हैं और ना कि डुअल टोन जैसे कि एक नॉर्मल ऑक्टेविया में मिलते हैं। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको यूरोस्पेक 2 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि मैसिव 245 PS की पीक पावर और 370 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके साथ आपको 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ही मिलता है जो कि इस कार को सिर्फ 6.6 सेकंड्स में ही 0-100 की स्पीड पर पहुंचा देता है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। इसके प्राइसिंग की बात करूं तो स्कोडा ने इसको सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है और उसकी प्राइस है 35.99 लाख एक शोरूम डेली। स्कोडा इसको CBU की तरह इंपोर्ट करेगी इंडिया में और सिर्फ 200 यूनिट्स ही इस बार भी अवेलेबल करेगी स्कोडा आपको। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो 1 मार्च को इसकी बुकिंग्स ओपन हो रही हैं, आप इसको उस दिन बुक करवा सकते हो। तो ये तो होगी अपडेटेड ऑक्टेविया आरएस 245 की बात, लेकिन इस इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ स्कोडा इसके नेक्स्ट जेन को फॉरेन मार्केट्स में लॉन्च करेगा कुछ टाइम में और इसकी नेक्स्ट जेन की डिज़ाइन इमेजेस रिवील हो गई हैं। स्कोडा नेक्स्ट जेन आरएस वर्जन को 3 मार्च को जिनीवा मोटर शो में शोकेस करने वाला है। रिवील्ड इमेजेस से ये पता चल पा रहा है कि नेक्स्ट जेन आरएस की डायमेंशंस कुछ बढ़ सकती हैं और स्कोडा ये भी दावा कर रहा है कि नेक्स्ट जेन आरएस फैमिली फ्रेंडली और एक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कार का दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात कर लेते हैं तो इसको फ्रंट में लार्ज एयर इनलेट्स, ब्लैक्ड आउट ग्रिल, फ्रंट एंड रियर डिफ्यूजर्स, लीड लार्ज अलॉय व्हील्स, एग्रेसिव स्पॉयलर्स, बोल्ड LED टेल लैंप्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, LED हेडलैंप्स मिलते हैं। नेक्स्ट जेन ऑक्टेविया आरएस में हमें नया इंजन देखने को मिल सकता है जिसमें PHEV इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का स्कोडा इस्तेमाल कर सकती है जिसके कारण ये गाड़ी फ्यूचर रेडी बन सकती है, लेकिन ये सेम पावर आउटपुट देगी जितना कि अभी देती है 245 PS की पीक पावर जो कि हमें अपडेटेड इंडियन आरएस 245 में मिलती है। टॉक फिगर्स शायद बढ़ जाएं हाइब्रिड टेक की वजह से। तो ये थी मेरी तरफ से ऑक्टेविया आरएस 245 पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।